किसानों के द्वारा समर्थन मूल्य पर अपनी उपज को बेचकर मध्य प्रदेश शासन की बोनस, बीमा व अन्य योजनाओं का फायदा ले सके, इसलिए किसानों को पंजीयन कराना आवश्यक है। लेकिन किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सर्वर की समस्या और तकनीकी खराबी के चलते बालाघाट जिले में ही हजारों किसान पंजीयन से वंचित हो गए हैं। समितियों में पंजीयन कराने के लिए पिछले कई दिन और हफ्ते से किसान धक्के खा रहे हैं। आगामी 20 सितंबर को पंजीयन की अंतिम तिथि, ऐसे में सहकारी समितियां और किसान दोनों ही परेशान। ये काहे के लिए विवाद हो रहा था भैया? ये पंजीयन नहीं हो रहा था इसलिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप इसको ले जा रहे हैं, चाहे अब होगा तो ठीक है, नहीं तो किसी को बेचेंगे, था सस्ती बेच देंगे, इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। 27 तारीख से दिया हूँ मैंने फार्म में, आज मान लो 12 तारीख हो गई, एक महीने हो गया ना, एक महीने में आज भी पंजीयन नहीं हो रहा है, तो सर क्या कर सकते हैं हम? पिछले अगस्त माह की 18 तारीख से प्रारंभ किए गए पंजीयन का कार्य बालाघाट में बेहद सुस्त गति से चल रहा है। पंजीयन न होने से किसानों का पारा 7वें आसमान पर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक माह में बालाघाट के लगभग 1.5 लाख किसानों में 50,000 किसानों का ही पंजीयन हो पाया है। कुछ क्षेत्र के समितियों में सर्वर खराब होने के चलते 10-30% ही किसानों का पंजीयन हो पाया है। समस्या को लेके तो भारी माने समस्या है पंजीयन को लेके। हर दिन किसान अपना काम धंधा छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के दिन भरा के यहाँ बैठा रहता है कि आज हो जाएगा मेरा पंजीयन, कल होगा। 9 बजे से आके बैठ के 9 बजे रात तक के बैठा रहते हैं और शाम को मुंह लटका के घर चले जाते हैं, इसलिए किसान बहुत आक्रोश में है। कितना हुआ है अभी आपके यहाँ पर? अभी तो 300 पंजीयन हुआ है, जिसमें 1200 होना था, तो 300 हुआ है, तो 900 बाकी रह गया। आपकी समिति के अलावा और क्या क्या है? और सभी समिति में वो यहाँ जरेरा समिति नहीं, हर आने बालाघाट जिले की कोई भी सही कई समिति से पता लगा है वो यहाँ लें। सभी जगह मान के चलो कि 1,20,000 पंजीयन होना था बालाघाट जिले में, जिसमें 52,000 पंजीयन हुआ, तो किसान बहुत भारी आक्रोश में है। अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 19 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा लेके बालाघाट, तो क्या किसान आशीर्वाद देंगे ऐसे? अब इतनी परेशानी है किसान को, तो इसमें क्या आशीर्वाद देंगे? किसान तो आक्रोश बताएंगे, आशीर्वाद देने का प्रश्न ही नहीं है। चुनाव से ठीक पहले किसानों के क्रोध से सरकार को बचाने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने पंजीयन की तिथि बढ़ाने का आश्वासन दिए। जरूरत पड़ेगी तो तिथि बढ़ाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के एक एक किसान का और बालाघाट जिले के खरीफ के सारे किसान जिन्होंने खरीफ की फसल हुई है, उनकी जब तक पंजीयन नहीं होते तब तक हम पंजीयन को जारी करते हैं।